Hi everyone. Okay, so in this video we are going to do exercise 11.1 question number 3 and 4, right? So let's start with question number 3. Question number 3 says find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meters square and the length is 22 meter. Aapko ek rectangular plot given hai, ek plot hai, plot means ek land hai. उसका शेप किस शेप में है? रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है, राइट? इसका आपको क्या गिवन है? एरिया गिवन है. एरिया कितना गिवन है? 440 मीटर स्क्वायर. और इसका आपको लेंथ भी गिवन है. लेंथ कितना गिवन है? 22 मीटर. आपको क्या फाइंड करना है? ब्रेथ फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? ब्रेथ फाइंड करना है, राइट? आप देखो ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, ये बाद में करेंगे हम, ठीक है? पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ब्रेथ फाइंड करेंगे, राइट? तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है हमारे पास, राइट? तो हमारे पास लेंथ गिवन है, आपको क्या फाइंड करना था? ब्रेथ फाइंड करना था. आपको दूसरा एरिया भी गिवन है, राइट? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, राइट? तो हमें क्या फाइंड करना है? ब्रेथ फाइंड करना है. लेंथ हमारे पास है, लेंथ कितना आपके पास? 22 मीटर इनटू ब्रेथ फाइंड करना है, उसको बी ही ले लेते हैं. इक्वल्स टू एरिया कितना गिवन है आपके पास? 440 मीटर स्क्वायर, राइट? अब मुझे क्या फाइंड करना है? ब्रेथ फाइंड करना है, उसको इसी साइड में रखना है जो 22 है, उसको राइट साइड, इस लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, सॉरी राइट साइड में शिफ्ट करना है, राइट? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चला जाएगा. 440 डिवाइडेड बाय 22 मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, राइट? अब ब्रेथ फाइंड करना है तो ये कैंसिल होगा, राइट? 22 वन ज़ा 22, 22 टू ज़ा 44, 20 ज़ा, राइट? तो ब्रेथ कितना है आपके पास? 20. अब देखो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, एक मीटर और एक मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना मीटर बच गया यहाँ पे? 1 मीटर, राइट? तो ब्रेथ कितना है आपके पास? 20 मीटर. तो हमें ब्रेथ क्या फाइंड करना था? ब्रेथ फाइंड करना था. देयरफॉर ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? फाइंड इट, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर. आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है, राइट? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी है, राइट? तो 2 लेंथ कितना आपके पास? 22 मीटर, प्लस ब्रेथ कितना आ गया आपके पास? 20 मीटर, 20 मीटर, राइट? इक्वल्स टू 2, इन दोनों को प्लस करो, 20 को 22 के साथ प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 42 मीटर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 4 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 मीटर. पेरीमीटर कितना है आपके पास? 84 मीटर, राइट? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, जो चीज़ें फाइंड करने हैं उसको फाइंड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट गिवन होगा, वहां से आप निकाल सकते हो, राइट? क्वेश्चन में ही होगा वो हिंट, राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर 4. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, राइट? आपको क्या गिवन है? एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, उसका पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है आपके पास? 100 सेंटीमीटर, राइट? इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ भी गिवन है, वो कितना है? 35 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स ब्रेथ, पहले इसको इसका क्या फाइंड करना है? ब्रेथ फाइंड करना है. आल्सो फाइंड इट्स एरिया, राइट? तो एरिया भी फाइंड करना है, तो पहले हम ब्रेथ फाइंड करते हैं. तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए आपको क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है और एक लेंथ गिवन है, तो हम पेरीमीटर वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, राइट? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? इक्वल्स टू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शीट, राइट? तो आपके पास क्या है? देखो, 2 हमारे पास लेंथ गिवन है,
यस लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ आपको फाइंड करना है तो बी ही रखो इक्वल्स टू पेरीमीटर कितने गिवन है 100 सेंटीमीटर राइट। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रैकेट के बाहर जो टू है उसको सॉल्व कर देते हैं, इस टू को हमें शिफ्ट करेंगे इस तरफ राइट। 35 सेंटीमीटर प्लस बी इक्वल्स टू 100 क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा राइट। तो 35 सेंटीमीटर प्लस बी इक्वल्स टू इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 50, कितना आया 50 सेंटीमीटर राइट। ये हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब उसके बाद क्या करना है आपको ब्रेथ फाइंड करना है तो बी यहाँ पे रखो 35 को शिफ्ट करो, यहाँ पे प्लस साइन है तो शिफ्ट होगा तो माइनस में चला जाएगा 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर राइट। तो ब्रेथ कितना आ जाएगा 50 में से 35 माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 15 सेंटीमीटर राइट। तो हमारे पास ब्रेथ आ गया ब्रेथ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर राइट। अब हमारे पास ब्रेथ भी आ गया है और हमारे पास लेंथ भी था राइट। तो लेंथ था तो ब्रेथ था, ब्रेथ है और लेंथ है तो हम क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेथ। लेंथ कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। 35 को 15 के साथ क्या करना है आपको मल्टीप्लाई राइट। 35 को 15 के साथ मल्टीप्लाई 5 5 7 25 5 3 15 16 17 1 5 5 1 3 3 5 7 12 3 4 5 525। तो आपके पास आया 525। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो वो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर की स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में आता है राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना आया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4 ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।